के डिस्क्रिप्शन से काइनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं अलग अलग पार्ट में उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को एक साथ ही शूट किया हूँ तो वीडियो को मैं सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड पार्ट का वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने दो पार्ट का वीडियो यहीं पर शूट कर लिया हूँ। तो आपको करना क्या है, देखना है यहाँ पर हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद राइट साइड में आएंगे और आपको देखना है यहाँ पे हमारा वीडियो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल राइट कर देंगे। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और इस वीडियो को आपको स्लो मो में करना है। स्पीड कंट्रोल पर आ जाएंगे, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और स्पीड कंट्रोल पर आ जाना है और सिंपल आपको यहाँ पर 0.5 से पहले एक डॉट दिख रहा है उस डॉट को सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से आपको ये वीडियो स्लो मो में हो जाएंगे। इसके बाद इसे हम डन करते हैं। तो मैं एक बार वीडियो को प्ले कर कर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो आपका कुछ इस तरह से आप देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो इस तरह से आपको वीडियो को स्लो मो में कर लेना है। इसके बाद शेयर पर क्लिक करना है और इस वीडियो को यहाँ से आपको सिंपल HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी का आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका। एक्सपोर्ट होने के बाद सिंपल इसे हम दो बार बैक करते हैं। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस बैकग्राउंड को आपको 10 से 12 सेकेंड तक सेट कर देना है अपने वीडियो को अकॉर्डिंग। इसके बाद डन करते हैं। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे पे क्लिक करना है और इस वीडियो को आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। तो आपका देख सकते वीडियो फुल स्क्रीन में हो चुका है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पर आ जाना है और वीडियो में जो भी आपको बैकग्राउंड कम हो रहा है इसे ज़्यादा कर देना है और ज़्यादा हो रहा है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। तो इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। आपको यहाँ पे देखना है हमारा ग्रीन स्क्रीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ से हमारा ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो जा रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और इस ग्रीन स्क्रीन को हमें रिमूव करना है। क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और सिंपल आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और आपको यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है और इस को देख सकते हैं 20 पे है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको 50 के आसपास कर देना है। इसके बाद डन करना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे और देख सकते हैं आप जहाँ पे आपका ब्लैक कलर दिख रहा है वहाँ पे आपका खुद का वीडियो लेकर आना है। तो 1.8 पे आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर वीडियो आपको स्लो मो में नहीं करना होगा क्योंकि वीडियो को मैंने ऑलरेडी पहले ही स्लो मो में कर चुका हूँ। इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। तो सबसे पहले मैं हाफ में ही रहने देता हूँ। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और आपको देखना है ग्रीन स्क्रीन मेरा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्लैक स्टार्ट हो जाता है तो यहीं तक का हमें सीन चाहिए। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे हमें फुल स्क्रीन में कर देना है। फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर आना है और यहाँ पर देखना है आपको कहाँ से ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ से हमारा ब्लैक कलर स्टार्ट हो जा रहा है। इस वीडियो को प्रेस करके रखेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमें लेकर आ जाना है 8.3 के आसपास। इसके बाद इस वीडियो में आपको देखना है कहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अब देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट जो लेफ्ट साइड का है उसे ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद फिर से हमें 8.3 के आसपास आना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से प्रेस करके रखेंगे और इसे हमें इस यहाँ तक लेकर आ जाना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, ऐसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पे क्लिक करते हैं और साउंड को म्यूट कर देता हूं और एक बार वीडियो को प्ले कर कर दिखा देता हूं। तो अब देख सकते हैं हमारा वीडियो आप कुछ इस तरह से देखने को मिल जा रहे हैं जो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। इस तरह से वीडियो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो देख भी सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जा रहे हैं। तो मैंने वीडियो को जो साउंड को म्यूट किया था, फिर से हम 100 कर देते हैं।
सेटिंग पे आते हैं, आइडियो फेड आउट को ऑफ करते हैं। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो है हमारा स्लो हो जाता है, वो स्लो नहीं होगा। शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एच डी 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।